तो हमारे साथ हैं BYD के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट संजय गोपाल कृष्णन जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जो मेरा आपसे पहला सवाल है वो यही है कि इतने कम प्राइस में आप इस तरीके की हाई परफॉर्मेंस कार कैसे लेकर आए? देखिए, हमें इंडियन कंज्यूमर्स को हम सेडान कैटेगरी, हम इसको सेडान नहीं कह सकते, हम इसको लग्जरी परफॉर्मेंस कार कह सकते हैं, क्योंकि हम सेडान कहेंगे तो उसको हमारा जो परफॉर्मेंस उसका कोएफिशिएंट हो वो कम हो जाएगा। सेडान मतलब प्लेन सेडान होता है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें फीचर्स है, एक्सेलरेशन है। हमने सोचा इंडियन कंज्यूमर्स को, एक वाइड वैरायटी ऑफ इंडियन कंज्यूमर्स को उसको टैप करना है, इसलिए हमने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखा है इस तीनों मॉडल्स के लिए, और सब और सारे इंडियन कंज्यूमर्स को, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स, जिसको परफॉर्मेंस देखना है वो टॉप एंड ले सकते हो, जिसको नॉर्मल चलाना है, सिटी में चलाना है, वो डायनेमिक ले सकते हो, डायनेमिक वेरिएंट ले सकता है जिसका रेंज 510 किलोमीटर से, और जिसको एक सिटी से दूसरा सिटी जाना है वो प्रीमियम रेंज जो 650 किलोमीटर वाला वो ले सकता है। सो अलग अलग कस्टमर के लिए हमने तीनों वेरिएंट लेके आ रहे हैं। एक सवाल बहुत ही खास है, क्योंकि ये जो सेडान सेगमेंट है इंडियन मार्केट का, वो SUV लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये भी मार्केट बहुत ही नया है, तो ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि अट्टो 3 आपका अच्छा खासा रिस्पांस मिला था, तो क्या ये आप इसको एज एक्सपेरिमेंट तौर पे देख रहे हैं या फिर आप पूरी तरीके से एकदम रेडी होकर आए? नहीं, हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी हमने किसी के पास अभी इस प्राइस रेंज में सेडान नहीं है। जैसे कॉम्पिटिशन के पास क्रॉसओवर है, SUVs है, ऐसे है, नहीं तो आप लग्जरी में जाओ तो बहुत हाई प्राइस सेडान है, इलेक्ट्रिक सेडान दो है इंडिया में। तो इसलिए हमने सोचा इस प्राइस रेंज में जो अफोर्डेबल है, जो प्रीमियम लग्जरी SUVs भी खरीदते हैं, बड़ा बड़ा SUVs या प्रीमियम लग्जरी सेडान्स खरीदते हैं, दे इनको एक ऑप्शन दिया जाए इलेक्ट्रिक सेडान। वो नहीं कि रेंज कम है, रेंज भी अच्छा है, तो इसलिए फिर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बहुत कम हो जाएगा सेडान में। लग्जरी सेडान या लग्जरी बड़े बड़े SUV में देखें तो आपको माइलेज कम मिलेगा, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी रेंज अच्छा है, 650 किलोमीटर्स तक है। तो हमने सोचा एक ऑप्शन दिया जाए कस्टमर्स को लग्जरी परफॉर्मेंस सेडान इलेक्ट्रिक में। तो ये तो रही इस प्रोडक्ट के बारे में बात, अब बात करते हैं इसके डीलरशिप की, कि BYD इंडिया में कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, कितने ढेर सारे डीलरशिप तक आप पहुँचे, और आने वाले टाइम में आपका क्या प्लान है? हमारे पास अभी 24 शोरूम्स हैं ऑल ओवर इंडिया। हमारा टारगेट है कि हम इस साल एंड तक, हम नंबर के हिसाब से नहीं कहना है, हमें कवरेज चाहिए। कवरेज मतलब 90% ऑफ दी EV मार्केट इंडिया में जहाँ पे भी बिकता है, हमें हर जगह उस जगह हमें पॉइंट्स चाहिए। तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे एक्जिस्टिंग डीलर्स के साथ भी, नए पार्टनर्स के साथ भी, ताकि हम बाय द एंड ऑफ द ईयर, थर्ड ईयर हमें, ये थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन होगा, हम लोग करीबन 90% ऑफ दी डीलर एरिया कवर कर देंगे, विच इंक्लूड्स मेजर सिटीज, Tier 1, Tier 2, जहाँ पर EV का सेल है, EV का पेनिट्रेशन हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज वो भी टाइम लगता है, तो ऐसे हम सोच रहे हैं। तो बहुत ढेर सारी कंपनियां 2030 तक उनका प्लान है EV को लेकर, और आप EV से ही स्टार्ट किए इंडिया में, सो आपका कोई अपकमिंग प्लान लाइक कि 5 ईयर में हमें ये करना है, या फिर एक एक प्रोडक्ट पे ही आपका ज़्यादा फोकस है? नहीं, हम लोग एक्चुअली प्योर EV कंपनी है ग्लोबली, तो हम लोग EV पे ही फोकस करेंगे। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा हम उस हिसाब से प्रोडक्ट्स ले आएंगे इंडिया में, एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, तो जैसे जैसे हम इंडिया बढ़ेंगे ऐसे ही प्रोडक्ट ले आएंगे। ओके, थैंक यू।